ग्राउंड लेवल पे क्या अमल में लाया जाता है? ग्राउंड लेवल पे इन तमाम लॉज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज के इस नए शुमारे में हम आपकी आज की मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारी वादी के मशहूर आरटीआई और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से। मुजफ्फर साहब, आपका खैर मकदम है, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें आज अपना वक्त दिया। मुजफ्फर साहब, आप हमारे नाज़रीन से अपना तारुफ कराएं। पिछले 10-15 साल से मैं आरटीआई का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमने किया है, इसकी एडवोकेसी भी के लिए। पहले लॉ नहीं था यहाँ पे, राइट इन्फॉर्मेशन का, और फिर उसके बाद 2009 में लॉ बन गया। उसके बाद उस लॉ का इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को भी सिखाया बहुत ज़्यादा, लिखा भी उस पर, और उसके साथ साथ फिर आरटीआई कानून जो है इसका इस्तेमाल हमने किया टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट एनवायरमेंटल इशू, वेदर इट्स वेटलैंड्स, वेदर इट्स अबाउट रिवर बेड माइनिंग, वेदर इट्स अबाउट सैंड माइनिंग, वेदर इट्स अबाउट फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, वाटर, रिवर्स। तो वो इन्फॉर्मेशन जब गैदर करते हैं, उसके बाद आई राइट अलॉट, एंड आई थिंक ऑन रिवर बेड माइनिंग अलोन आई हैव रिटन मोर देन 40-50 आर्टिकल्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। और मैंने क्लाइमेट एक्शन में फेलोशिप भी किया है दो साल पहले अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे भी एज ए गेस्ट फैकल्टी काम करता हूँ बीच बीच में। तो उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इन इश्यूज़ को लेके लेक्चर्स देता रहता हूँ, मेरे टॉक्स होते रहते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, और ट्रैवल से इंसान बहुत कुछ सीखता है, ये मेरा पैशन है ट्रैवल करना। बाय ट्रेनिंग मैं डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट्री मैंने प्रैक्टिस की बहुत साल तक, 4-5 साल। उसके बाद मैं बिल्कुल जो है शिफ्ट हुआ हूँ लिखने पढ़ने की तरफ, रिसर्च की तरफ, सोशल वर्क की तरफ। ये मेरा थोड़ा सा तारुफ है। आप बहुत हाईलाइट करते हैं माहौलियाती इश्यूज़ को जो कश्मीर जिनसे दो चार है, तो अभी ऐसे क्या क्या इश्यूज़ हैं जो हमारी वादी को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं? कश्मीर जो है अल्लाह ताला ने इसको ऐसे नवाजा है, यू कैन नॉट इमेजिन, इतना डाइवर्स आपको वेदर क्लाइमेट नहीं मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। हिंदुस्तान में है ही, हिंदुस्तान में डेजर्ट भी है, हिंदुस्तान में हिमालयाज भी है, हिंदुस्तान में गर्मी भी है, हिंदुस्तान में सर्दी भी है। उसके बाद अगर हम कश्मीर की बात करें, इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत झीलें, इतने खूबसूरत नदियाँ, और इतने खूबसूरत जानवर, बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, क्योंकि मैं हर किसी शोबे से कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ। अगर हम इस जन्नत के साथ हम इस जंग करें, कुदरत के साथ जंग करें, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए इस जन्नत को हम कैसे बचा सकेंगे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, ताकि जितने भी आने वाली जनरेशन्स हैं हम उनके लिए कुछ छोड़ सकें। आपने अभी जिक्र किया रिवर बेड माइनिंग का, अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाना हो तो रिवर बेड माइनिंग क्या है? देखिए, रिवर बेड माइनिंग ये है, इसको RBM कहा जाता है शॉर्ट में। रिवर बेड में जो रिवर होता है, चाहे स्ट्रीम हो, चाहे बड़ी सी नदी हो, नाला हो, इसमें इसका एक रिवर बेड होता है। पहले पानी होता है, फिर नीचे रिवर बेड होता है, और रिवर बेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सैंड, रेती है, उसके बाद बाजरी है, उसके बाद बोल्डर्स है, स्टोन्स निकलती हैं, बोल्डर्स हैं, ये चीज़ें सब जो है इसको कहा जाता है रिवर बेड में जो माइनिंग की जाती है उस उन चीज़ों को। मगर इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला जो कानून इसमें है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं रिवर बेड माइनिंग के हवाले से। रिवर बेड माइनिंग के जो हमारे रूल्स जम्मू कश्मीर में, उसे कहा जाता है माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016। उसका लंबा चौड़ा नाम है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगा। माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स जो है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जब भी आप रिवर बेड माइनिंग करें, यू कैन नॉट गो एज डीप एज 2 meters। अगर दरिया है, आपको रिवर बेड माइनिंग करनी है, आपको खाली 2 meter ही आप जा सकते हैं, आप 10-15 meters नहीं जा सकते। एक तो ये है, दूसरी बात है यू कैन नॉट यूज मशीन्स। और हमारे रिवर बेड माइनिंग रूल्स में साफ साफ लिखा है कि यू हैव टू ओनली यूज सेमी मैकेनाइज्ड मशीन्स। सेमी मैकेनाइज्ड मीन्स जो मैकेनाइज नहीं हो, जो आधी मैकेनाइज्ड हो,
और जितने भी हमारे JCBs हैं, LNT cranes हैं, ये सब हाईली मैकेनाइज्ड है, सो JCB का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। इसका मकसद क्या है रिवर बेड माइनिंग का, जो लोग वहां पे रहते हैं उस गांव में, उस इलाके में, उनको रोजगार देना है। दिस इज नरेगा टाइप ऑफ वर्क, उनको रोजगार देना है, वो मैन्युअली करेंगे, ये उसको उठाएंगे, उसको सप्लाई करेंगे विद इन टू स्क्वायर किलोमीटर्स, जो जहाँ पे माइनिंग की जाएगी, जहाँ पे इजाज़त दी जाएगी, उसका जो 2 स्क्वायर किलोमीटर है उसी में आप इसको बेच सकते हैं, इसकी सेल कर सकते हैं, और लोकल लोग उसे काम करवाएंगे, उनसे मजदूरी करवाएंगे, उनसे निकलवाएंगे, जो ये मटेरियल निकलेगा यू हैव टू सेल इट at 50% concessional rates. Okay. Ministry of Environment and Forest ने एक इदारा बनाया हुआ है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, बट कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डायरेक्टली। उसे कहा जाता है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। जम्मू कश्मीर में भी ये अथॉरिटी बनाई गई है। स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ही जो है NOC देती है किसी भी कंट्रैक्टर को, या प्रोजेक्ट प्रपोनेंट कहते हैं उनको, ये करने के लिए, और उनको उस तमाम लवाजमात से निकलना होता है, एफिडेविट लिख के देना पड़ता है, मैं JCB का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं रात को माइनिंग नहीं करूँगा, मैं 50% डिस्काउंट पे मटेरियल भेजूँगा, मैं मजदूरों से काम करवाऊँगा, मैं सब कुछ, मैं इसके जो है एम्बैकमेंट से उनको तबाह नहीं करूंगा, मैं फिशरीज को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं पानी की मूवमेंट को चेंज नहीं करूंगा, सब कुछ लिखा होता है और इन्होंने सब कुछ लिख के दिया है, और ये चीज़ें जो है इसकी कदर करनी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, इन सब चीज़ों को वायलेट किया गया है। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ग्राउंड लेवल पे क्या अमल में लाया जाता है? ग्राउंड लेवल पे इन तमाम लॉज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कानून में लिखा है माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में JCB का इस्तेमाल नहीं करना है, JCB इस्तेमाल हो रहा है। JCB तो छोड़िए, वो बड़े बड़े LNT क्रेन्स, लार्सन एंड टर्बो के बड़े बड़े क्रेन्स, वो इतने बड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप रिम्बियारा देखिए, आप रोमशी देखिए, आप दूधगंगा देखिए, आप यहाँ से ये आरिजाल का नाला देखिए बीरवा साइड में, मतलब इनकी जो लैंडस्केप है दरियाओं की, वो लैंडस्केप ही चेंज हो गई है। ये इतने बदसूरत बन गए हैं, इंसान को लगता ही नहीं कि क्या ये वही दरिया है, इंसान को लगता है कि ये बिल्कुल बम्बार्ड हो गया है। रात को छोड़िए, शाम को 6 बजे के बाद माइनिंग नहीं कर सकते, सनसेट के बाद रात भर माइनिंग चलती है। 50% डिस्काउंट पे भेजना था, जो सैंड का एक गाड़ी एक टिपर पहले 7,000 में मिलता था 5 साल पहले, आज वही 15,000 में। मजदूरों को काम देना था लोकल, उनको काम नहीं है, बाहर से ही मजदूर लाए हैं, यहाँ पे क्रेन्स लाए हैं, वो भी वायलेट हो रहा है। और हमने ये बिल्कुल हाईलाइट किया है, जितनी भी मेरी राइटिंग्स है उस पर हाईलाइट किया है वीडियोस के जरिए। जब चला ही नहीं, जब कोई माना ही नहीं, तो आई वाज फोर्स्ड टू गो टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत सारे जो है इसमें ऑर्डर्स पास किए हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये काम बंद भी हुआ है। जैसे आपने कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जी तो क्या कश्मीर में ऐसी कोई कमेटी है जो ओवरलुक करती है? बिल्कुल, और उसके बाद भी वायलेशंस? बिल्कुल, यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, जो यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड रिमोट सेंसिंग का डिपार्टमेंट है, उनको ही ये काम दिया गया है कि यू विल एक्ट एज स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। जब कहीं पे माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, जियोलॉजी और माइनिंग निकालती है, उसके बाद ये रूट आउट होती है, सब ऑनलाइन मतलब पूरा प्रोसेस होता है, एक प्रवेश पोर्टल है, उस पर ये चीज़ें सब डालनी पड़ती हैं इनको, NOCs ये वो, उसके बाद फाइनल NOC इनको देता है यही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इनके पास जाते हैं। और जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट्स, इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे लिख के दिया है कि हम रात को माइनिंग नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। बट मसला है कि ये जो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, इनका काम खाली होता है देना, उसके बाद ओवरलुक नहीं करते हैं। ये मैंने बिल्कुल NGT के सामने भी जो है रखा है और इसके बारे में लिखा है, देखिए आपने तो दे दी इनको NOC, आपने बताया भाई ये नहीं करना, उसके बाद ये वायलेशन करते हैं। मैंने बहुत बार जो है इस स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट की, भाई ये वायलेशन हो रहा है, मगर उनके पास
वो मैन पावर नहीं है, लोग नहीं है कि वो जाएं और देखें वहाँ पे चेक करें। फिर जियोलॉजी माइनिंग का डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग इनके साथ मिले होते हैं बहुत जगहों पे अच्छा काम भी हो रहा है। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे नए आए डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर 2 साल से वो बहुत ही कर्ब किए हुए हैं क्योंकि उनको NGT में हाजिरी पड़ी, उनके डायरेक्टर को भी। बट कुछ जगहों पे अच्छा काम, अभी पुलवामा में अच्छा काम डीसी साहब भी कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे कर्ब किया, बंद करवाया वहाँ पे DMO भी, बड़गाम में भी बंद हुआ है अभी। बट बहुत सारे एरिया अभी भी हैं जहाँ हो रहा है रिवर बेड माइनिंग, या हमारे करेवास को फोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, रात भर मिट्टी निकाली जाती है। दीज आर ऑल वायलेशंस। देखो, या तो एक काम करना पड़ेगा सरकार को, या तो आप कानून ही मत बनाओ। अगर आपने फिर कानून बनाया, फिर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम जाते हैं इन फोरम्स में, हम ट्वीट भी करते हैं, हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को बताते भी हैं, उनके पास मैन पावर नहीं है, फिर हमें NGT जाना पड़ता है। जब फिर NGT वहाँ से कार्रवाई करते हैं, जुर्माना लगाती है, तब जाके ही सरकार जो है एक्ट करती है। अगर हम बात करें रिवर बेड माइनिंग की, आपने अभी बताया कि इससे कैसे कैसे चीज़ें अफेक्ट हो जाती है, इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, मतलब कैसे माहौलियात को? देखिए, मैं बताऊँगा रिवर की एक अपनी टोपोग्राफी होती है, एक तरीके से चलता है, इसके एम्बैंकमेंट्स होते हैं। हम जाते थे बचपन में, हम बैठते थे दरिया के किनारे पे, पैर रखते थे जमीन, उसमें डालते थे, दरिया में पैर डालते थे, ठंडा ठंडा पानी होता था, अच्छा लगता था, कहीं पे जाते थे पिकनिक पे। बट आज नहीं होता है वो, आज वो इतने डीप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। 2 मीटर क्यों लिखा था कानून में, कि 2 मीटर अगर आप माइनिंग करेंगे, उसके बाद जब सैलाब आएगा, बारिश आएगा, वो फिर भर जाएगा मटेरियल से। आज आप इतना ज़्यादा नीचे, उसमें क्या है, उसमें फ्लोरा है, फौना है, उसमें फिशरीज़ हैं आपकी, उसमें हर कोई चीज़ है। और उतना ही नहीं है, अगर कोई दरिया है, आपने उसको 20 मीटर डाउन कर दिया, दरिया के साथ पैडी लैंड्स हैं, दरिया के साथ एग्रीकल्चर लैंड है, दरिया के साथ वाटर टेबल होता है, और वाटर टेबल के ज़रिए इसमें अंदर छोटी छोटी कैपिलरी एक्शन होती है, वो पानी बाकी जगह पे भी जाता है, वो पूरे वाटर टेबल को मेंटेन करता रहता है। बट इससे क्या होता है, जब आप बहुत डीप माइनिंग करते हैं, ये पूरा वाटर नीचे जाता है, और जो वो एरिया होता है 20 मीटर का, 10 मीटर का, जमीन का बिल्कुल 1 किलोमीटर तक का एरिया, 1 किलोमीटर दरिया के साइड से, वो ड्राई लैंड बन जाता है। वहाँ पे अगर आप कहीं पे ट्यूबवेल खोदेंगे, बोरवेल अगर कोई पुराना होगा, वो ड्राई हो जाएगा। जो वहाँ पे कोई चश्मा होगा पुराना, देखिए रंबियारा के आसपास में जितने भी चश्मे थे ड्राई हो चुके हैं, नाग कश्य मना, वो नाग सब खत्म हो चुके हैं आजू बाजू में थे। वहाँ पे अगर किसी का बोरवेल था, किसी का ट्यूबवेल था, वो ड्राई हो चुका है, उसमें पानी निकलता नहीं है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के जरिए वो दरिया का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता है, वो बिल्कुल नीचे गया, सुकड़ गया है नीचे। जब वो नीचे गया तो ऊपर कैसे रहेगा फिर? ये लेवल पहले पानी की ऐसे ही थी, अब पानी चला गया यहाँ पे, जो इतना एरिया आपका ऊपर बच गया 10 मीटर का, पूरा 2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक पूरा ड्राई। फिर वहाँ पे दूसरा दरिया कोई, उस साइड में छोटी नदी है, आपने उसमें भी माइनिंग की, उसका पानी का लेवल भी नीचे चला गया, फिर वो भी ड्राई हो गया। इससे एक डिजास्टर हो सकता है, एक तो आपके एग्रीकल्चर लैंड में पानी नहीं रहेगा, आपके जो हॉर्टिकल्चर लैंड में पानी नहीं रहेगा, आपके फिर जो ट्यूबवेल से सूख जाएंगे, आपके चश्मे सूख जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, और हमें जो है इंश्योर करना है कि जो रिवर बेड माइनिंग के रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से ही काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है कि ये चीज़ें जो हैं, रूल्स जो है या रूलिंग्स जो है, वो सीरियसली नहीं ली जाती? देखिए बाबरा, असल में मसला ये है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, मुझे सब चीज़ें पता है। प्रैक्टिकल मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मटेरियल हमें ज़रूरत नहीं है, मटेरियल तो ज़रूरत है रिवर बेड माइनिंग का। यहाँ से तो रूल्स भी हैं आपके, या आप रूल्स को फॉलो करो या मटेरियल ले लो। मसला है कि मटेरियल रूल बोलता है मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ से इनको हाईवे बनानी है, रोड बनाना है, उसके लिए मटेरियल चाहिए, वहाँ से आपको सैंड भी चाहिए, वहाँ से आपको बाकी चीज़ें भी चाहिए। इसमें पॉलिसी नहीं है, सेम इज़ द केस विथ क्ले माइनिंग। के लिए आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, मिट्टी चाहिए, आपको हाईवे के लिए इसमें करना है। इसमें क्या कर सकती है सरकार, एक पॉलिसी बना सकती है, भाई हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ एरियाज़ के लिए, जहाँ पे करेवाज़ हैं वहाँ पे हम माइनिंग करेंगे, या
पर्टिकुलर एरिया है वहां पे माइनिंग करेंगे। और ये लोग ने क्या किया, ये यहां भी खुदाई की, यहां भी खुदाई, यहां भी, यहां भी, यहां। उससे क्या हुआ, हर जगह कहीं पे इस कश्मीर की नाक काटी गई, कहीं पे बाजू काटा गया, कहीं पे टांग काटी गई। इनको आइडेंटिफाई करने थे एक पर्टिकुलर एरिया, उसी एरिया में सब कुछ करना था और बिल्कुल जो कानून बोलता है उसी हिसाब से जाना था। अब इसमें इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लालच आ गई। देखिए, कोई मटेरियल निकालता है रिवर बेड माइनिंग से, आपको, आपने 1.5 करोड़ रुपए भरा है सरकार की ट्रेजरी में, बिल्कुल 1.5 करोड़ 5 साल के लिए, दैट मीन्स आपको साल का यही कोई 20-30 लाख रुपए खर्च करना है। तो 20-30 लाख रुपए, चलो हम 30 लाख और रखेंगे, आपको फायदा भी मिलना चाहिए। बट जहां पे आपको 3 टिपर 3 ट्रक्स उठानी है एक ब्लॉक से, आपने वहां 200 उठाई, ये कितना ज्यादा मैसिव अमाउंट है। अब जो मैसिव अमाउंट होता है ये, इसमें बहुत सारे शरीक होते हैं इनके, ये गवर्नमेंट ऑफिशल्स को फंसाते हैं, ये पुलिस वालों को भी फंसाते हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी फंसाते हैं, माइनिंग वालों को भी फंसाते हैं, फिशरीज वालों को भी फंसाते हैं, फ्लड कंट्रोल को फंसा, हर किसी को ये ब्राइब करते हैं। और उसमें क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट तो होती है, रोड बनता है, किसी का घर भी बनता है, सड़क भी बनती है, बट एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब जिस एरिया में आपने ये डीप कर दिया 20 मीटर नीचे कर दिया, अब क्या करेंगे आप वहाँ पे, वहाँ पे आपको, आप जो है ट्यूबवेल सूख गए वहाँ पे, वहाँ पे आपके जितने भी स्प्रिंग्स सूख गए, वहाँ पे पैडी लैंड सूख गई, वहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स पे इम्पैक्ट होगा, इन द लॉन्ग रन वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए जो है सरकार ने जितने भी लॉज बनाए गए हमारे पार्लियामेंट के अंदर, हमारे असम्बलीज में, तो ये बिल्कुल विद फुल विजडम होता है ये कानून बनाए जाते हैं, ये एक सुप्रीम विजडम होता है, पूरा समझ के एक्सपर्ट्स रहते हैं, ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर लेजिस्लेटर्स को देते हैं, भाई यही चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये लॉज उन्हें बनाए, फिर लॉज का पालन भी कीजिए, या तो कानून ही मत बनाइए। अगर अब कानून है, मैं तो कानून के लिए फाइट कर रहा हूँ, फिर NGT इसलिए जुर्माना कर रही है। सो हम वही चीज़ कर रहे हैं जो कानून आपको बोल रहा है, तो इससे अच्छा है कि जो लॉ आपको बोलता है उन लॉज का पालन करो, ताकि जो है इन चीज़ों पे कंट्रोल हो सके। एक ऐसा मसला है जो आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया रिसेंटली, वो है पावर क्राइसिस का। जी, आपने उस पर बहुत ज़्यादा इंकशाफात भी किए कि रीजंस आपने बताए, आपने सॉल्यूशंस बताए, अल्टरनेटिव्स बताए। अगर हम देखें तो कैसे हम पावर क्राइसिस जो ये सिचुएशन अभी जैसे कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं, वो कैसे टैकल की जा सकती है? देखिए, मैं खाली इंकशाफ ही नहीं करता हूँ, उसके साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी देता रहता हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब भी मैं कोई लिखता हूँ, मैं वो पेसिमिस्ट नहीं हूँ या लिखूँगा खाली लिखूँगा, उससे इंसान बोर भी हो जाए, रोज लिखता है ये। बट एट द सेम टाइम आई गिव सम सॉल्यूशंस आल्सो। देखिए, हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट भी है, बहुत ज़्यादा हवा भी है। अगर आप इधर जाएंगे, कंगन की तरफ जाएंगे, ये पूरा सिंध वैली जो है, कितनी हवा तेज चलती है। अगर आप यूसमर्ग में जाएंगे, गुलमर्ग में जाएंगे, पहलगाम साइड लेदर वैली में, इतनी हवा तेज है। इस हवा को हम टैप भी कर सकते हैं, हवा के जरिए हम टर्बाइन बना सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं उन्हीं एरियाज के लिए। अगर ये पूरा पहलगाम से लेके अगर आप अश्मुकाम तक जाएंगे, 10 किलोमीटर का वैली है ये। इन 10 किलोमीटर में हम कम से कम 50-60-70 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपके इसी एरिया को सफाइस करेगी। दैट मीन्स जो आप बाकी जगहों से बिजली लाते हैं वो आपको बंद हो जाएगी, वो आप किसी और जगह को ले सकते हैं। सेम इज द केस विद अपना दूधगंगा वैली, जो भी वहां पे पॉपुलेशन रहती है, बिल्कुल यूसमर्ग तक आप बिल्कुल एयर से आपको कर सकते हैं। और जितने भी करेवाज हैं, हमारे वुडर हैं, जहाँ पे बहुत रोशनी है, वहाँ पे आप जो है ग्रिड बना सकते हैं, सोलर ग्रिड्स, तो सोलर को टैप कर सकते हैं, विंड एनर्जी को टैप कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावर की क्राइसिस हमारे पास है। देखिए, गुजरात में इस वक्त जो है दे जनरेट मोर देन 10,500 मेगावाट्स ऑफ पावर फ्रॉम विंड, और हमारे पास पोटेंशियल है फॉर 5,500 मेगावाट। हमने 1 मेगावाट भी जनरेट नहीं करते। तमिलनाडु में 10,200 मेगावाट बिजली पैदा होती है फ्रॉम विंड ओनली, हम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो हम कंसेप्ट हमारा है कि शायद हम बिजली से, पानी से बिजली पैदा करेंगे, और हाइड्रो पावर तो ग्रीन एनर्जी है, बट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, यह बताओ आप डोडा वालों को, किश्तवाड़ वालों को, बगलियार वालों को, कितनी डिसलोकेशन हुई लोगों की, कितने लोग वहां पे बेघर हुए, उनके घर उस बाद में सबमर्ज हुए, सब कुछ।
उनको मुआवजा मिला, कहीं को बराबर मुआवजा नहीं मिला। चलो मुआवजा मिलेगा, अभी जंगल जो काटे गए उस एरिया में, जो पहाड़ फोड़े गए, जो टनल्स बनाई गई, सो एक हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने के लिए कितना आपको एनवायरमेंटल डिजास्टर करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप सोलर पैनल्स लगाएंगे या विंड एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे, वो टर्बाइन बनाने पड़ेंगे ऊंचा। इसमें क्या है, विंड में खाली आपको ऊंचा सा बनाना है, वो टर्बाइन लगाना ऊपर से, वो घूमेगा बस, वो खूबसूरत भी दिखता है, अच्छा लगता है, वो पंखा लगता है दूर से, तो उसमें उतना ज्यादा एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं होता है जैसे बिजली का प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें डिजास्टर होते, इसमें नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को जो है इन चीज़ों को भी, जो न्यू एंड हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इनको एक्सप्लोर करके और इन चीज़ों से भी जो है बिजली पैदा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोला, इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ हाईवेज होते हैं या रोड्स होते हैं, उनके अपने अपने एनवायरमेंटल कॉस्ट होते हैं, उससे माहौलियात पे असर पड़ता है, उस बारे में आप बताएं प्लीज़। अब तो ये ज़रूरी है, हाईवे बनाना भी ज़रूरी है, रेलवे बनाना भी ज़रूरी है। देखिए कितना अच्छा होता, देखिए हमने यहाँ पे बानीहाल से लेके बारामूला तक रेल लाइन बिछाई। अगर हम वैली की बात करें, काजीगुंड से आगे कितनी जो है रेल पटरी को फिलिंग करने के लिए कितना मटेरियल डाला गया, उसमें कितने करेवास काटे गए। वैसे ही जो नया भी श्रीनगर रिंग रोड बन रहा है, उसमें कितना मटेरियल जाता है, कितने कितने हमें ये काटने पड़ते हैं, हमारे करेवास को वहाँ पर माइनिंग करनी पड़ती है, वो सब इलीगल हो रहा है, कोई लीगल नहीं, बिकॉज देयर इज नो क्ले माइनिंग पॉलिसी हियर। क्ले माइनिंग के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जो जैसे कर रहा वैसे कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप लैंडस्केप भी ख़त्म कर रहे हो, ये पूरा जो जहलिम का जो एरिया है जहाँ से हाईवे बनी रेलवे बनी, ये सब फ्लड प्लेन्स हैं, और जहलिम का पानी निकलता था फिर घूमता था। अब आपने बड़े बड़े इसमें ये खड़े किए, इसमें ये भी हो सकता था अगर हम सस्टेनेबल तरीके से ये कर सकते थे, आपको क्ले की ज़रूरत थी, आप पूरा जो हमारा फ्लड चैनल को ड्रेजिंग कर सकते थे फ्रॉम रामबाग टू आप टू पाटन एरिया, वहां तक कर सकते, ये भी कर सकते थे आप, वहां से मिट्टी निकाल सकते थे। एक तो उसमें ड्रेजिंग होती, आप मिट्टी इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा था, आपको जरूरत नहीं थी कि जो ट्रैक्स आपने रेलवे के बनाए एलिवेटेड ट्रैक्स, उसमें फिलिंग करके फिर ट्रैक पटरियां बिछाई, आप पिलर्स पे भी कर सकते थे, पिलर्स पे, जैसे आपने दिल्ली मेट्रो में देखते हैं, पिलर्स पे कर सकते थे और पिलर पे पटरी लाइन डाल सकते थे, या पिलर्स पे आप जो हाईवे बना सकते थे, ताकि नीचे जो उसका नीचे पानी है, फ्लो ऑफ वाटर है, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग रेनफॉल्स जो ड्यूरिंग हमारा फ्लड्स जाता है, वो आराम से मूव कर सके, क्योंकि ये सब फ्लड प्लेन है, ये अपना जहलिम के आसपास का है। सो जो जहलिम के आसपास हमने हाईवेज बनाई, रेलवेज बनाई, हमने बहुत ज़्यादा मकदार में उसमें जो है क्ले माइनिंग करके उसमें क्ले डाली है, मिट्टी डाली है, उससे क्या है प्रेशर बढ़ रहा है जो फ्लड प्लेन्स हैं और जो बाकी पॉपुलेटेड एरियाज हैं, नौगाम है, लसजन है, ये पातशाहबाग है, इस पे जो है प्रेशर बढ़ता है, इससे फ्लड्स आने का खतरा होता है। इससे अच्छा होता है कि हम सस्टेनेबल तरीके इस्तेमाल करते, हम वो तरीके इस्तेमाल करते जहाँ पे डैमेज कम होता। जी, अपने टाइम एंड अगेन यू हैव हाईलाइटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। आपके ख्याल में हाउ इम्पोर्टेंट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? देखिए, जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप कोई भी काम जो है खुश असलूबी से नहीं कर सकते। अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करेंगे, आपने वो शायद वो मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा फॉरेस्ट राइट्स को लेके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, उसमें कम्युनिटी का रोल हो सकता है। देखिए, पहले जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, उस वक्त जो है जितने भी जंगलों में हमारे आदिवासी लोग रहते थे, ट्राइबल्स रहते थे, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आंध्र प्रदेश में, चाहे कहीं पे भी हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ से जब रेलवे लाइनें बिछाई गई, उन्होंने उन जंगलों में जो है रहने वाले लोग जो थे सदियों से, उनको निकाल दिया वहाँ से। नहीं नहीं, अब जंगल तो हमारे हैं, तो नेशनलाइज हो गए हैं पूरे, आप निकल सकते हो, बट वो जंगल उनके थे, उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंसी उस पर था, उनकी उनको एक मोहब्बत थी उसके साथ। बट सरकार ने ये चीज़ें उस वक्त नहीं समझी ब्रिटिश टाइम पे, और फिर हिंदुस्तान आज़ाद भी हुआ, उसके बाद भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लागू था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और बाद में 2006 में सरकार को लगा कि जो हमने गलतियाँ की हैं, ट्रेडिशनल गलतियाँ की, क्योंकि इस चीज़ को माना गया है इंटरनेशनल फोरम्स, यूनाइटेड नेशंस में, कि जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, आपको
इनके जो इंडिजिनस तरीके हैं रहने के लिए, क्योंकि ये रहते हैं एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल मेल मिलाप से, बिल्कुल इनकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता है। उसीलिए जो है फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया गया है, उसमें रोल है कम्युनिटी। हम फॉरेस्ट की जिम्मेदारी कम्युनिटी को ही देंगे, आप इसमें लाइवलीहुड भी करो, आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, आप इसको कंजर्व भी करो। इसीलिए जो है जितना भी अगर हम प्रेशर करें, हम कितने भी फोर्स बनाए, मिलिट्री को डाल दें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डाल दें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाए, जब तक कि आप लोगों के दिल नहीं जीतेंगे उन एरियाज में रहने वाले लोगों के, चाहे कोई वेटलैंड हो, चाहे कोई फॉरेस्ट हो, चाहे कोई दरिया हो, चाहे कोई लेक हो, जब तक कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करवाएंगे, आप उस चीज़ को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ये बताइए हमें, आपके हिसाब से, क्योंकि आपने इतना सारा काम किया, आपने इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे हकायक सामने लाए हैं, एंड देन आपने फिर बहुत ज़्यादा, जैसे आपने मेंशन भी किया कि आपने केस वगैरह फाइल किए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशंस हैं हमारे पास अगर हम माहौलियात के हिसाब से देखें तो? देखिए, हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर हमारी बहुत, कश्मीर वैली की बात करूँगा मैं, हम एक बहुत छोटी जगह रह रहे हैं। देखिए, मैं पिछली बार गुजरात में था, गुजरात का एक एरिया कच्छ, एक डिस्ट्रिक्ट कच्छ हरियाणा से बड़ा, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 5% पर स्क्वायर किलोमीटर, 10% पर स्क्वायर किलोमीटर, हमारी यहाँ जगह ही नहीं है। हमारा इतना वेस्ट जनरेट होता है, वी डोंट हैव एन स्पेस इन श्रीनगर टू क्रिएट ए न्यू लैंड फिल साइट। सो हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन में रह रहे हैं। तो अगर हम चैलेंजिंग सिचुएशन में रह रहे हैं बिकॉज हम इकोलॉजिकली एक ऐसे फ्रेजाइल जोन में रह रहे हैं जहाँ पे लैंड भी कम है, दरिया यहाँ से है, कल को इसमें फ्लडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे ड्राउट भी हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से क्राइसिस और बढ़ सकती है, नई लैंडफिल आपके पास नहीं है। सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। हमें वो डेवलपमेंट यहाँ नहीं करनी है जो गुड़गांव में हो रही है, हमें वो डेवलपमेंट यहाँ नहीं करनी जो अहमदाबाद में है, हमें वो डेवलपमेंट यहाँ नहीं करनी है जो मुंबई में हो रही है, जो नासिक में हो रही है, जो नागपुर में हो रही है। हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए इन टैंडम विद आवर एनवायरनमेंट। हमें ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाने हैं यहाँ पे, जो बोलते हैं बहुत सारे, हमारे यहाँ भी इतना पानी है, हम नए नए प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपको पता है कितने पहाड़ आपको काटने पड़ेंगे, कितने आपको जंगल काटने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम विंड को एक्सप्लोर करें, हम सोलर को एक्सप्लोर करें। वैसे ही जो है हमारा, हमें कोई बड़ी फैक्ट्री स्टील की नहीं डालनी है यहाँ पे, सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा नहीं डालनी है, स्टील फैक्ट्रीज नहीं डालनी है। हमें कोशिश करना है कि हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को ऐसे बढ़ा सकें, हम इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। इकोलॉजिकली बड़े बड़े होटल्स नहीं बनाए, हम लॉजेस बनाए, हम छोटे छोटे हट्स बनाए, हम हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, हम यहाँ के हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करें, हम जो है फ्लोरिकल्चर सेक्टर को, फूलों को प्रमोट करें जो कि हमारे से मेल खाता हो, जिससे हम आगे तक रहें। अगर हमने बड़ी कोई स्टील इंडस्ट्री डाल दी यहाँ पे, उसमें कितना फॉसिल फ्यूल जलेगा, उसमें कितना धुआं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है, भूल ही गया बोलना, एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे कर रहा है। 10,000 लोग हर साल यहाँ एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। ये तो मैंने नहीं बोला, स्कीम्स के डायरेक्टर ने बोला, बिकॉज ऑफ दिस अपनी क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज, जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है, और उसका मेन है एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की वजह से ब्लैक कार्बन की कंसनट्रेशन बढ़ गई एटमोसफेयर में, आपके ग्लेशियर्स में ब्लैक कार्बन लग गया है और उनकी उनकी मेल्टिंग तेज हो रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रोफेसर सेकिल रोमचो साहब ने बोला। तो ये चीज़ें भी हैं, हम एयर पोल्यूशन से भी जूझ रहे हैं, वाटर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, वेस्ट से जूझ रहे हैं, रिवर बेड माइनिंग से जूझ रहे हैं, वेटलैंड में चोकिंग हो रही है। तो हर तरीके से हम बिल्कुल, बिकॉज वी आर ए स्मॉल प्लेस वैली, सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। और जितनी भी हमारे डेवलपमेंट यहाँ हो, दैट शुड बी होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट वो नहीं होनी चाहिए जो बाकी जगहों पर हो रही है, गुजरात में हो रही है, बाकी जगहों पर हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। हमारी डेवलपमेंट बिल्कुल अलग होना चाहिए, अलग हमारा डेवलपमेंटल मॉडल होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने आज हमारे साथ ऐसे मामलात पे बात की जिन पे शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात नहीं करते और बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ की आज की मुलाकात के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।